कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अभी तक आप नेत्री पूनम वर्मा लगातार जन कल्याण के कार्यों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में पूनम वर्मा ने उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड 25 एस में घर घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, साथ ही 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाने में भी मदद की। पूनम वर्मा ने उत्तम नगर विधानसभा के विधायक नरेश बालियान के नेतृत्व में क्षेत्र के 45 साल से ऊपर के लोगों को अपनी निजी गाड़ियों में टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाकर कोरोना का टीका लगवाया। अपने इस मुहिम पर बात करते हुए आप नेत्री ने कहा कि अपनी सुरक्षा नहीं परिवार की सुरक्षा है, जिसके चलते आज मेरी और मेरी टीम की मदद से ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं, सीनियर सिटीजन है, 45+ यानी 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को COVID-19 की वैक्सीन लग जाए, इसके तहत आज सारी गाड़ियां जितने भी है, मेरे वॉलंटियर हैं, मेरे साथी हैं, सभी के साथ मिलकर उन लोगों को उनके घर से लेकर आई हूं, ताकि वे समय पर COVID-19 का टीका लगवाएं, अपने आप में भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहें। मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री नरेश बालियान जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर जगह ये जागरूकता अभियान चला रखा है, जिसके तहत हम अपने क्षेत्रवासियों को समय पर COVID-19 का टीका लगवाएं। गौरतलब है कि आप नेत्री पूनम वर्मा के साथ कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने आए लोगों ने आप नेत्री के इस कार्य की जमकर सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस प्रकार की मुहिम की शुरुआत अभी तक किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अन्य पार्टी के नेता या कार्यकर्ता द्वारा नहीं की गई है। अपने क्षेत्र में वो लगवाने आई है वैक्सीन वगैरह गाड़ी के द्वारा, हम सबको लेके आई, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है वो। पूनम वर्मा की वजह से हम लोगों को वैक्सीन लग रही है, वो खुद अपनी गाड़ी भी लेने हमें आए जी, बहुत सही काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। पूनम वर्मा जी जो हैं, ये पूनम वर्मा जो है मैडम अपने एच ब्लॉक से आए हैं ये, और ये सभी को गाड़ी में बढ़ा के वैक्सीन लगवाने के लिए आई हैं, और ये बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, इससे बढ़िया पहले कोई अब तक आया नहीं वैक्सीन के लिए किसी काम के लिए भी, और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छात्रवासियों को भी, ये कहना चाहूँगा कि कृपया आए, आगे बढ़े और अपने इंजेक्शन लगवाएं, ताकि अपनी सेफ्टी रहे और दूसरे की सेफ्टी रहे। मैंने टीका लगवाया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे नरेश बालियान जी ने और पूनम वर्मा जी ने अभियान चलाया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनका लगता है धन्यवाद। आज हम उत्तम नगर विधानसभा के वैक्सीनेशन सेंटर पे आए हुए हैं, बिपिन गार्डन में जो स्कूल में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उत्तम नगर विधानसभा का, वहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर मैं खुद पर्सनली आया हूँ, पूनम वर्मा जी के साथ भी मैं यहाँ पर आया हूँ, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, रिसेप्शन की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, और इसके लिए हम अपने क्षेत्र के विधायक नरेश बालियान जी का धन्यवाद करते हैं, साथ में समाज सेविका पूनम वर्मा जी बहुत अच्छी मेहनत से यहाँ पे काम कर रही है, और वो लोगों का लाने ले जाने का, बुज़ुर्गों को लाने ले जाने का जो है सेंटर से लाना और सेंटर से ले जाना और वैक्सीनेशन कराकर वहाँ पर तसली वक्त उनके घर तक पहुँचाना, ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, बहुत खुशी की बात है, और इसके लिए हम क्षेत्र के विधायक को धन्यवाद करते हैं, और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है दिल्ली में स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर खोले हैं, इससे लोगों को, वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिली है, और इससे जो है सभी लोग इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। राजधानी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ टीकाकरण पर भी ध्यान दिया जाना बेहद आवश्यक है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर राजधानी में महामारी की तीसरी लहर दस्तक देती है तो वो बेहद गंभीर तबाही मचा सकती है, ऐसे में टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो दिल्ली वासियों को इस महामारी के आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। पूनम वर्मा द्वारा लोगों को टीकाकरण करवाने का ये कार्य दिल्ली को कोरोना मुक्त करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, समाज से जुड़े अन्य लोगों को भी इस प्रकार की मुहिम चलाने के लिए आगे आकर अपना योगदान देना चाहिए।